हेलो नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में स्वागत है आप सबका। आज हम तीन लोग हैं और जा रहे हैं नैनीताल, देखो क्या एक्टिविटी करते हैं। फिलहाल मेरे साथ हैं हमारे सर, हेलो, और एक साथी और आने वाले हैं, अभी उन्हीं को हम पिक करने के लिए जा ही रहे हैं। फिलहाल पिथौरागढ़ में हैं, 1:30 बजे के आसपास हम पिथौरागढ़ से निकले हैं नैनीताल के लिए। देखो कितने बजे तक पहुँचते हैं और आज नाइट स्टे कहाँ करेंगे आगे आपको मालूम चलता रहेगा, तो हमारे साथ बने रहे, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर आज के इस वीडियो को भी आप शुरू कर लेते हैं। तो जो हमारे तीसरे साथी आने वाले थे दीपक भाई, वो भी आ चुके हैं। तो भाई जी एक बार हेलो कहो सबसे। हेलो। तो आज का क्या है प्रोग्राम, रात्रि विश्राम? आज का प्रोग्राम हमारा है नैनीताल जाने का, तो नैनीताल ही विश्राम करेंगे या अल्मोड़ा या भवाली या देखते हैं जहां आगे जाके क्या प्रोग्राम बनता है, विचार करते हैं उसके बाद धीरे धीरे चलते हैं, हमारी यात्रा शुरू हो गई है। अब यहाँ से हमारा सफर हो चुका है शुरू, देखते हैं आज का हमारा गंतव्य कहाँ होता है। तो फिलहाल अभी हम पहुँच चुके हैं गुरुनाथ मंदिर पे, तो जाने से पहले एक बार यहाँ रुकते हैं। तो यहाँ मंदिर के दर्शन भी कर दिए, अब इसके बाद चलते हैं अपने मंजिल की तरफ। तो मंदिर के दर्शन करके भी अब हम चल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ, और देखो कितने बजे हम कहाँ पहुँचते हैं। अब ठंडे का भी समय काफ़ी होने लगा है, लेकिन फिलहाल तो गर्म हुआ है, लेकिन सुबह शाम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। तो अभी जाते हुए एक जगह पे रुके हैं हम, क्या कौन सा बैंड है भाई ये? मटेला बैंड है या दिल्ली बैंड, जो भी है ये घाट वाली रोड में ही है। पिछले बार रुका था जब मैं एबर्ट माउंट जा रहा था, पंचोला का लग रहा है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा वेट करते हैं और खाते हैं। अभी हमने मंगाया है पंचोला और भुटुआ, टेस्ट तो मुझे पता है क्योंकि अच्छा होता है, इस वजह से मैंने सर लोगों से भी कहा कि थोड़ा यहाँ का एक बार स्वाद ज़रा चख लीजिए, फिर इनके भी रिव्यू जानेंगे इन्हें कैसा लगता है। तो ये आ चुका है पंचोला, जो हमारी टीम है अभी टेस्ट बताएगी। तो कैसा आ रहा है पंचोली जी? सही है, मसाले बढ़िया डाल रखे हैं, ठीक हो रहा है सर, बढ़िया बना रखा है राजा साहब। अभी इसके बाद भुटुआ भी आना बाकी है, मसाले भी सही डाल रखे हैं। अब आ चुका है हमारा भुटुआ, एक बार ट्राई करके बताइए पंचोली जी कैसा हो रहा है। सर आप भी ट्राई करिए। करो भाई ट्राई। क्या सौ है? तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा खाना खा करके अब चल पड़े हैं अपने गंतव्य की तरफ। ये देखिए दोस्तों किस तरह की रोड है पहाड़ों में, अभी इतने भयंकर गड्ढे हैं इस रोड में, आते जाते समय ही गाड़ी में हालत ख़राब हो जाती है। देखिए कितना बड़ा गड्ढा है, ये ऐसे ऐसे रोडों से होकर गुजरना पड़ता है तब जाके कहीं पहाड़ों की शानदार वादियों में आप पहुंचते हो। लेकिन अभी हमारा गंतव्य है आगे की तरफ, अभी देखते हैं आज कहाँ हम स्टे करेंगे नाइट स्टे। फिलहाल अभी हम रुके हैं कांडा नौला में मैगी पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा सा सूक्ष्म जलपान करते हैं और उसके बाद फिर चलेंगे अपने गंतव्य की तरफ। कॉफ़ी या मैगी? हाँ कॉफ़ी या मैगी, कॉफ़ी पीते हैं। सूक्ष्म जलपान के लिए अभी हम विश्राम कर रहे हैं यहाँ पे कांडा नौला में, मैगी और कॉफ़ी मंगाई हुई है। मैं तो पहली भी आया हूँ, सर लोग शायद आज पहली बार ही आ रहे हैं इधर, तो अभी यहाँ जो मैगी बनती है उसका टेस्ट पूछेंगे। फिलहाल आप यहाँ से देखिए शाम होने लगी है, इस जगह में ठंडा भी काफ़ी होता है वैसे, क्योंकि धूप काफ़ी कम है यहाँ।
पंचोली जी आए हो पहले कभी यहाँ? आए हैं। इस ऊपर बैठे? ऊपर नहीं बैठे हैं, नीचे रुके हैं। यहाँ पहली बार आ रहे हैं ऊपर हम दुबनी जिले में। मैगी? मैगी नहीं, बस कॉफी पीएंगे। कांडा नौला की मैगी आ चुकी है जो काफ़ी फेमस है, तो सर एक बार टेस्ट करके बताइए। अभी बैठे हैं मैगी पॉइंट में, कांडा नौला के पास है, देखते हैं। ठीक ठाक है? ठीक ठाक। चलो आप कॉफ़ी टेस्ट करके बताइए। हाँ कॉफ़ी ठीक है, मगर सर का मैगी से कुछ लगा ही नहीं सर को मैगी, कुछ उसमें ऑयली वाली चीज़ ज़्यादा डाली है ना, ऑयली चीज़ वो पसंद नहीं आई, ऑयली चीज़ पसंद नहीं आई सर को शायद। क्या लगता है सर, ये घी वाली मैगी है? घी नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा ना सर ऑयली में। वैसे सफ़र का एंजॉय कर रहे हो नहीं सर आप, मज़ा ले रहे हो नहीं सफ़र में? क्यों ले रहे हैं पंचोली जी? फुल मज़े में? मज़े में। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं फेमस मैगी पॉइंट से। ये फेमस मैगी पॉइंट मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये जो दुकान है इसका नाम ही फेमस मैगी पॉइंट है। तो यहाँ से मैगी खा के आ चुके हैं और चलते हैं अपने गंतव्य की तरफ। समय गंदा नहीं आ रहा यार। फिलहाल अभी हम रुके हैं गर्म पानी में ओम शांति होटल एंड रेस्टोरेंट में। आज रात्रि विश्राम हमारा यहीं है, लिया है एक कमरा। तो फाइनली हम आ चुके हैं शांति रेस्टोरेंट एंड होटल में, और ये लिया है हमने कमरा। तो अभी हम रुके हैं शांति रेस्टोरेंट एंड होटल में, जो अभी ये रूम है पड़ा है 900 रुपए में। तो ठीक है, तीन लोग हैं, आराम से एंजॉय करते हुए जाना है। नैनीताल यहाँ से 30 किलोमीटर के लगभग है, तो कल जाएंगे 9-10 बजे तक आराम से अपना एंजॉय करते हुए। फिलहाल अभी इसके बाद करना है डिनर, और आज का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। एक बार अपने साथियों से पूछना बनता है कि आज का सफ़र उनका कैसा रहा। तो भाई पंचोली जी कैसा रहा? बढ़िया, मज़ा आ गया, इन्जॉय किया बहुत सर? बहुत ही बढ़िया, काफ़ी थकान भी हो रही है अब तो आज। कहाँ के रास्ते गए थे? शेरा घाट। अभी खाना ना चल रहा है हमारा, शेरा घाट से क्या से बस खाना खाने के बाद हो गया थे, अब चल रहे हैं सोने, उसके बाद पहले खा लेते हैं आराम से। मुझे याद ही नहीं आ रहा। तो दोस्तों खाना खा के भी आ चुके हैं, और अब आज के दिन को भी हम करते हैं समाप्त, और करते हैं गुड नाइट। गुड नाइट, कल मिलते हैं आपसे। हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। इस वीडियो की शुरुआत हो चुकी है गर्म पानी नैनीताल से, और आज का हमारा है सीन कि आज हमने जाने हैं नैनीताल, और वहीं हमने करना है खूब इंजॉय अपना काम निपटाने के बाद। और जो मेरे टीम मेंबर हैं वो सब तैयार हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। मैं भी जल्दी से रेडी हो जाता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, नहा धो लेते हैं, उसके बाद तैयार होके निकलते हैं यहाँ से। तो फाइनली हम सब लोग तैयार हो चुके हैं और जाने लग गए हैं नैनीताल की तरफ। ये है गर्म पानी की बाज़ार। चलिए फिर हम निकल चले हैं हम यहाँ से। सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो इस वजह से अभी हम रुके हैं यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए। दो यहाँ से काफ़ी अच्छा लोकेशन भी दिखता है, एक बार देख के आते हैं क्या है यहाँ ऐसा, जो लोग इतने रुके हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा था नहीं, खाली एक लोकेशन है यहाँ पे, बस सामने नैनीताल लिखा हुआ है और बस गाँव बसा हुआ है। नैनीताल वाली रूट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इधर। फूड वैन है रोड के किनारे, यहाँ से आप फास्ट फूड वगैरह खा सकते हैं। तो अभी हमने मंगाया है नाश्ता, और अब नाश्ता करने के बाद सीधे चलते हैं नैनीताल के लिए। तो दोस्तों हम नैनीताल पहुँच चुके हैं,
एंटर कर लिया है हमने मार्केट में। इसके बाद अपना काम निपटाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। लेकिन जब आप ये मल्ली ताल को जाओगे तो यहाँ पे आपने अपनी गाड़ी ले जाने के लिए एक टिकट काटना पड़ता है, तभी आप गाड़ी अंदर ले जा सकते हो। ठीक सामने है दोस्तों हमारे यहाँ पे नैनीताल की झील। तो ये है दोस्तों नैनीताल की बाज़ार। बहुत महंगी सिटी है नैनीताल। अगर आप आते हैं तो जेब गर्म करके ही आए यहाँ, खाली जेब के साथ रोड में सोने की नौबत आ जाएगी। और यहाँ पे अभी हमारा प्रोग्राम तो है एक आध जगह जाने का, लेकिन पहले काम निपटाते हैं, तो काम निपटाने के बाद फिर आपसे मुलाकात करेंगे। दोस्तों आज तो दिन भर इतना ज़्यादा काम रहा कि क्या क्या सोचा था, बोटिंग करेंगे और भी जू जाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे, लेकिन बताऊँ कि बिल्कुल समय हो ही नहीं पाया। और अभी भी सीधा गाड़ी से उतरे और अपना पूरा काम निपटाने के बाद इतना ज़्यादा काम करके दोबारा से अभी आपसे मुलाकात फिर से गाड़ी में ही हो रही है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ खाया भी नहीं है। और अब थोड़ा सा खाने के लिए रुकेंगे कहीं पे, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग गई है। और अब जो ये बोटिंग करने का प्रोग्राम था जू जाने का, वो तो मुझे मुश्किल नहीं नामुमकिन सा लगने लगा है। और अब सीधे चलते हैं कहीं, पहले खाना खाते हैं, क्योंकि अब भूख इतनी लग गई है कि अब बोलने का भी ज़्यादा मन नहीं कर रहा है। अब चलते हैं सीधा, मिलते हैं, खाना ही खाते हैं अब सीधे सबसे पहले। दोस्तों वैसे ही बहुत ज़्यादा भूख लगी है और अभी हम ये रोड कंस्ट्रक्शन में फंस भी चुके हैं। अभी रोड का काम चल रहा है, लगभग 10-15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे यहाँ पे हमें। बहुत ज़्यादा भूख लग गई है और अब फिलहाल अभी हम रुकेंगे फूड वैन यहाँ पे, यहीं से खाते हैं कुछ। कौन से 400 वाले? ये कितने वाले हैं? ये 400 वाले। और ये? ये भी 400 है, थोड़ा मार्केट होना पड़ा। होता है, होता है। थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के बाद अब फिर से निकल पड़े। सुनते हैं, थोड़ा जानता है यार। लग रही है भूख? भूख लग रही है? भूख लग रही है, भूख लग रही है। फिलहाल अभी हम एक जगह पे रुके हैं खाना खाने के लिए। खाना तो क्या होता है यहाँ लोकल में, रोड किनारे कहीं ढाबे पे रुके हैं। यहाँ सिर्फ हमें मिली है मैगी, साथ में कॉफ़ी और बंद, बस इसके बाद खा के फिर चलते हैं सीधा। अब रात का खाना मुझे लगता है कि दुनिया में खाएंगे। फिलहाल खाना आना खा कर यहाँ पर से अब हम जाने लगे हैं अपने गंतव्यों की तरफ। चले सर, इस जगह पे हम रुके थे वाकई बहुत ज़्यादा ठंडा है। गर्मा गर्म कॉफ़ी भी एक मिनट के अंदर ही पूरी की पूरी ठंडी हो गई। अब सीधे चलते हैं। अब तो दोस्तों अभी का ऐसा है हिसाब किताब कि अभी समय काफ़ी हो गया है और हमें हैं अभी अल्मोड़ा में, और हम आज ही जा रहे हैं पिथौरागढ़ के लिए। मुझे लगता है कि 11-12 बजे तो हम पहुँचेंगे घर, और अभी रात के खाने की कोई ऐसी व्यवस्था हमारी है नहीं। देखेंगे अभी आगे दुनिया में अगर होटल खुले होंगे तो। तो फिलहाल अभी हम पहुँचे हैं दुनिया में और सही टाइम पे हमें खाना भी मिल गया। मैं तो सोच रहा था कहीं दुकानें बंद ना हो जाए, और हमने मंगाया है चिकन और छाछी भी हमारे खाए रहे हैं, और सफ़र के मज़े के साथ साथ खाने का भी मज़ा ले रहे हैं। अब इसके बाद सीधे चलेंगे पिथौरागढ़ घर की तरफ। तो फिलहाल दोस्तों खाना खा लिया है, अब खाना खा के चलते हैं घर को। तो दोस्तों फिलहाल घर पहुंच चुके हैं, रात के 12 बज चुके हैं, और इतने रात में बाहर पे चलते हुए वीडियो बना रहा हूँ। चारों तरफ देखिए अंधेरा अंधेरा है, सब सो चुके हैं। चलिए फिर अब आपसे अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक बाय बाय, गुड नाइट।